क्या कर रहा है? मेरी जी का सपना देख रहा हूँ। अरे सपना बाद में देखना, पहले देख सामने कौन है। प्रीतम 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 जल्दी आ। मेरी बारी। अरे मार खाने की नहीं रे बाबा, मारने की बारी कब आई रे बाबा। सच सच बता, कौन है तू? और आपके पैर में ये भुतड़िया की सूज कैसे आए? हाँ तो हर बैग में ये भुतड़िया के नाखून कैसे मिला? अरे बाबा रे बाबा, नाखून तो नाखून, ये भुतड़िया के बाल कैसे रे बाबा? मारो प्लीज मेरी बात सुनो। आई एम राहुल खन्ना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर राहुल खन्ना। ओके, भुतड़ियों पे रिसर्च कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ मैं। उस चक्कर में दुनिया भर घूमते रहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ उसकी चीजें कलेक्ट करता हूँ। यस बिलीव मी, ये देखिए, ये भुतड़िया के शूज अलास्का से कलेक्ट किए थे मैंने। अलास्का? ये उसके बाल साइबेरिया से कलेक्ट किए थे मैंने, और ये नाखून किलीमिरी के फॉरेस्ट से। क्यों नो किलीमिरी? आई नो ओनली कालीमिरी, सॉरी। You know Kilimiri? Yeah, yeah. Thank you. तो उसकी चीजें मुझे मिल गई, लेकिन मुझे भुतेड़िया नहीं मिला। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से भुतेड़िया इसी इलाके में है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तो पहले बताना चाहिए था ना, तुमको डरा दिया। खुद तुमने भी मार खाई? आपने पूछा ही नहीं सर। सर लगता है भुतड़िया अपना असली रूप धारण कर रहा है। प्रीतम जी, प्यारे जी, जल्दी चलिए, जाना ही पड़ेगा। ऐसा कैसा रे बाबा, उसको मारने आए तो उसके पास जाना ही पड़ेगा नर बाबा। हाँ तो यही बोल रहा हूँ, जाना ही पड़ेगा, हमें जाना ही पड़ेगा। हाँ जाना ही पड़ेगा। तो फिर चलिए ना, घड़े क्या है, आज मैं उसे शूट करूंगा। आप शूट करेंगे? शूट करेंगे, क्या बात है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं पर्सनली आपको सम्मानित करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो ये वाला शूट नहीं, ये वाला शूट मैं उसे अपने कैमरे से शूट करूंगा, कैमरे से। मर गए। अरे जल्दी चलिए आप लोग। हाँ, चलो 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 चलो, बर्बाद इसे जाओ, खिड़की से आएंगे। भुतेड़िया मेरे शैतान साथियों, यही वो जगह है जहां हमें भुतेड़िया मिलेगा। पुत्रीना, डमरू, अपने आंख और कान खुले रखना, क्योंकि हमें उसे पकड़ना है और अपना गुलाम बनाना है, और फिर हम भुतेड़ियों की फौज बनाएंगे। उसके बाद प्रीतम प्यारे, तो क्या कोई भी इंसान हमारी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। भुतेड़िया यहीं कहीं आसपास है, इसलिए आवाज नहीं, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो भुतेड़िया हम भूतों का दुश्मन है, हमें देखते ही हम पर हमला करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका पाला भूतों के बादशाह से बड़ा है। भूतों के बादशाह ने कह ढाया तारा कोयला, आया आया आया। Thank you.
संभल कर बाबा, संभल के। काली रात काला चश्मा, संभल कर बाबा। आगे कुछ? अरे भैया संभाल के जाना और भुतरिया को खत्म करके ही लौटना। हाँ हाँ हाँ, टायर में हवा थोड़ी कम लग रही है। नहीं हाँ, और देखिए ना वाइपर भी नहीं लगे हैं। वाइपर भी नहीं। प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं ना, हरी अब कौन। हाँ चलते हैं चलते हैं, ऐसे भी क्या जल्दी है। अरे ऐसा कैसे बाबा, इधर जीप खड़ी है, ऊपर चांद निकल चुका है, उधर भेड़िया भी निकल चुका होगा रे बाबा। अब नहीं जाएगा तो कब जाएगा रे बाबा। हाँ तो जाओ ना। अरे ये सही तो कह रहा है, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे, प्लीज चलो ना। हम जाएंगे, मैरी जी के आते ही निकल जाएंगे। हाँ, अरे भैया तब तक तो चांद बदलवा में छुप जाएगा और भुतेड़िया मिलेगा भी नहीं तुमको। अरे छोड़िए ना मैनेजर साहब, कि क्या रखा क्या उस चांद में। मेरे पास तो पहले से ही एक चांद है, मेरी जी। हाँ, और वो चांद कभी बादलों के पीछे नहीं छुपता, हमेशा मेरी नजरों के सामने मुस्कुराता रहता है। बाबा तुम समझता काई को नहीं रे बाबा। ए तू नहीं समझता है, तेरे को बोल दिया मैंने एक बार, मैं नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। यहाँ मैं मैरी जी को अकेला छोड़ के चला गया, पीछे जाके भूतड़िया ने मुझे पकड़ लिया तो मैरी जी का क्या होगा। ये रिस्क तो मैं भी नहीं ले सकता। अरे मेरी सलामती की चिंता मेरी जी नहीं करेगी तो और कौन करेगा। मेरी जी आती होगी फिर हम चले जाएंगे। ओके ओके ब्रदर्स ओके, आप लोग उनका वेट कीजिए, मैं वेट नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, I'm going। अरे अरे भैया अकेला? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम मतलब भटक गए तो? मैं दुनिया भटक चुका हूँ उसके चक्कर में। I'm a wildlife photographer। मैं यहाँ से सीधा तालाब पे जाऊंगा, ये जंगली जानवर जो होते हैं ना पानी पीने रात को तालाब पे आते हैं, जैसे ही भुतेड़िया आएगा मैं उसे क्लिक कर लूंगा। ओके आई एम लीविंग। एक मिनट रे बाबा, एक मिनट। क्या है? अरे बाबा ऐसे अकेले नहीं जाने कर बाबा। हाँ इनको साथ ले जाओ ना। ए मेरे साथ नहीं रे बाबा, इन दोनों के साथ जाना रे बाबा। तुमको मालूम नहीं वो भुतेड़े एकदम डेंजर, उसका थोड़ा सा नाखून लग गया, उसने थोड़ा सा भी काट लिया ना रे बाबा, तेरा आदमी से भुतेड़िया बन जाएगा रे बाबा। समझना रे बाबा। Okay, fine. Then you come with me. मैं? हाँ, मैं चलता, लेकिन मैरी जी को छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। तो ये जाएगा? All right. Then you come with me. नहीं, इसका कहने का मतलब है कि मैं मेरी जी को छोड़ के नहीं जा सकता, इसलिए ये जाएगा, right? जा जा जा। नहीं, ये जाएगा। नहीं, ये जाएगा। तू जा। अरे बाबा तू जाता। Okay, ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। क्योंकि मुझे भुतेड़िया को इंसान से भेड़िया बनते हुए देखना है, उसे क्लिक करना है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है। ऐसा मौका मैं मिस नहीं कर सकता। टुडे इज माय डे, आई एम लीविंग, बाय। कौन है किसने भूतों के बादशाह को गिराने की जरूरत की है? हिम्मत है तो सामने आओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, आओ सामने। भुतरीना तुमने किसी को देखा? कमरू तुमने देखा? ओहो कहां ध्यान था तुम दोनों का, किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा और तुम दोनों ने देखा नहीं। मालिक हमारा ध्यान तो आपके ऊपर नहीं था। और वो इतनी तेजी से आया कि हम उसे देख नहीं पाए। मालिक हमको ऐसा लगता है एक काम जरूर वो भुतेड़िया का है, और तू कोई ऐसा हिम्मत करने नहीं सकेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं। उस भुतेड़िया को उसकी औकात दिखाऊंगा, उस आधे इंसान और आधे जानवर को निकल जाऊंगा मैं। शांत हो जाओ दारा। नहीं अब दारा शांत नहीं होगा, अब दारा कहर ढाएगा। दारा को शांति तभी मिलेगी जब वो भुतेड़िया मेरे पेट में जाएगा। ओफो दारा ये मत भूलो कि वो हमारा आहार नहीं है, हम उसे अपना गुलाम बनाने आए हैं।
ताकि उसकी ताकत का इस्तेमाल करके हम प्रीतम प्यारे को हरा सके। सोचो दारा, वो इतना शक्तिशाली है कि उसने तुम्हें गिरा दिया है? मतलब उसे काबू में सिर्फ तुम ला सकते हो, तुम ही उसे गुलाम बना सकते हो। तारा, ये मौका मत गवाना। तारा ये मौका नहीं गवाएगा, नहीं गवाएगा ये मौका। जरूर मत। उधर चलो। मेरी जी, अंधेरे में तो आप और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। एकदम डरावनी। इसे लगी डरावनी तो इसे लगी, मैं तो बेहोश हो गया आपको देखकर। डर गया, मैं एक्टिंग करके दिखा रहा था आपको कि अगर आप इसके कंधे पे हाथ रख देती तो ये कैसे डरता। अरे भैया जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है, वरना वो भतड़िया भी हाथ से निकल जाएगा। चलो चलो भतड़िया, हम आ रहे हैं। अरे बाबा, रूम सर्विस रे बाबा, आप भी चल रहे हैं हमारे साथ भतड़िया को मारने? हाँ नहीं रे बाबा। एक मिनट प्रीतम प्यारे, तुम लोगों के हथियार कहाँ है? हथियार? हथियार? हथियार तो अंदर रह गए। क्या? आप? अगर मैंने प्यारे को उकसा के अंदर भेज दिया तो मैरी जी के साथ मुझे कुछ पल बिताने का मौका मिल जाएगा। हथियार मैं लेने जाऊंगा। ठीक है जाओ। पर तू बैठ, क्या है ना कि तू डरपोक है ना, तू डरता है। एक्चुअली क्या है ना, जब ये छोटा था ना ये तब भी डरता था, ये बचपन से ऐसा है, छोटा है ना तो डरता है।
तो इसमें हंसने जैसी क्या बात है? डरता था तो डरता था, लेकिन डरता था मेरी जी, डरता था, अब नहीं डरता, अब मैं किसी से नहीं डरता, इसलिए हथियार जाके मैं ही लाऊंगा। प्यारे हथियार लेने मैं जाऊंगा, तू डर जाएगा। अरे मैं नहीं डरता, मैंने कहा ना मैं जाऊंगा। तू डर जाएगा। अरे मैं नहीं डरता, मैं जा रहा हूँ ना। नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। बड़ा कौन? तुम। छोटा कौन? मैं। तो बात खत्म। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बात खत्म। देखो छोटे भाई के होते हुए बड़ा भाई कोई काम करे ये छोटे भाई को शोभा नहीं देता, इसलिए हथियार लेने तो मैं ही जाऊंगा। ठीक है, अब तू इतनी जिद कर रहा है तो तू चला जा, लेकिन डरना नहीं। मैं क्यों डरूंगा, मेरी जी होंगी ना मेरे साथ। मेरी जी मेरी जी कहाँ है तेरे साथ? अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना उसके साथ में। बिल्कुल नहीं डरूंगा। नहीं आई मेरी जी। सर बाबा ये टाइम पर आएगा क्या? बाबा ये टाइम पे टाइम पर नहीं दिखता बाबा। आवाज नहीं, सावधानी से बस अपने आंख और कान खुले रखो, मुंह नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, भुतेड़िए तारा खोला से बचकर नहीं जा पाएगा। मालिक मालिक मैं भुतेड़िया नहीं हूं, मैं तो नॉर्मल भूत हूं आप ही की तरह। इधर देख मालिक, ये तो मंगलू है, इधर मनोरी का जंगल में 300 साल से भटक रहा है, हम इसको पहचानता है, अपना आदमी है। तो तूने धक्का क्यों मारा? मालिक मैंने जानबूझ के धक्का नहीं मारा, वो तो मैं भुतेड़ी से डर के भाग रहा था और हड़बड़ाहट में आपसे टकरा गया। लेकिन मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ भुतेड़िए को पकड़ने आए हैं। मालिक ऐसी गलती मत करना, वो बहुत खतरनाक है और भूतों से तो उसका इतना बैर है कि देखते से हमला कर देता है और मार देता है। मालिक आप भी लौट जाइए वरना आप भी मारे जाएंगे। मालिक तारा को कोई मार सके ऐसा कोई भुतेड़िया पैदा नहीं हुआ है। ए, मंगलू इधर आओ। जी मालिक। तुम्हें तो पता होगा ना कि भुतेड़िया कैसा दिखता है, कैसे हमला करता होगा, उसकी स्टाइल क्या है, कमजोरी क्या है कुछ? उसकी कोई कमजोरी नहीं है मालिक। बस मालिक हमला करने से पहले ऐसा करता है वो। बस दारा के लिए इतना ही काफी है, अब मैं उस भुतेड़िए को छोड़ूंगा नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.